ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज सिट डाउन। अरे आप सबसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप नीचे बैठ जाइए। अरे भाई मारवाड़ी में बोल तो हम जला। अरे भाई साहब बैठोगे नहीं। मित्रों मैं यकीन मानिए मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ, मैं स्वामी महेश्वरानंद जी दीवान साहब, और आप लोगों का बहुत बहुत इस मंच पे उपस्थित तमाम महानुभाव, रायपुर और आसपास के तमाम मित्रगण, इन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ सुनाऊँ, मैं कुछ बोलूँ। मैं यहाँ आज सिर्फ सुनने आया हूँ, कुछ बोलने नहीं आया हूँ। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूँ दुर्गाराम जी को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाएं। इन्होंने इस बात की जानकारी दे दी कि मैं मारवाड़ का बेटा हूँ, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगी कि मैंने यहाँ आने के लिए हाँ क्यों किया। मैंने दुर्गाराम को भी बॉम्बे में बताया नहीं कि मैंने यहाँ आने के लिए हाँ क्यों किया। मैं बाला सती जी का भक्त हूँ, यहाँ तो आता ही हूँ, साल में जितनी बार मौका मिलता है मैं बाला सती माता के दर्शन करने आता हूँ, जितनी बार आना चाहे आता हूँ। लेकिन रायपुर आने के लिए मैं इस पवित्र भूमि के पास आ रहा हूँ, ये लिए मेरी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आप किसी को पता नहीं है, दुर्गाराम को पता नहीं है, मैं इस गाँव में पढ़ा हूँ। क्या बात है, बहुत को बहुत को जोरदार से तालियां बजाइए और जोर से तालियां बजाइए। आज से 40 साल पहले जब मैं इतना सा था, जो बच्ची गाना गा रही थी, तब मैं इसी स्कूल में जो यहाँ रोड पे हुआ करती है बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे स्कूल में पढ़ता था। एक क्लास का एग्जाम मैंने यहाँ दिया, यहाँ पास की, हरिपुर स्टेशन आते जाते थे हम लोग, और इस गांव में मैं रहा, मैं पला बढ़ा। तो आप लोगों का हक है मुझ पे, मैं जितना जोधपुर का बेटा हूँ उतना ही रायपुर का भी बेटा हूँ, क्योंकि मैं इस गांव में पला हूँ, मैं यहाँ। तो मेरे लिए यहाँ आना एक बहुत बड़ी, 40 बरस बाद मैं उस जगह को देखना चाहता था, उस घर को जाके देखना चाहता था जहाँ मैं रहा। कोशिश करूँगा, मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगा। मुझे और तो कोई नाम याद नहीं है, हमारे मोहल्ले में एक फकीरचंद साहब रहते थे, उनका नाम मुझे याद है कि वो आसपास रहा करते थे। बाकी बहुत सारी यादें, बचपन यहाँ जुड़ा है। तो मैं मेरी इस धरती पे आके बेहद प्रसन्न हूँ, बेहद खुश हूँ, बहुत अलौकिक अनुभव मुझे हो रहा है, एक आत्मिक आनंद का अनुभव मुझे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आश्चर्यचकित हूँ इतनी सारी भीड़ देख के यहाँ पे, मतलब इतने लोग आपने इकट्ठे कर दिए, ये राजस्थानी कला के लिए, लोक कलाकारों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ मेरे भीतर राजस्थान जिंदा रहता है। मैं छाती ठोक ठोक के कहता हूँ कि मैं मारवाड़ का बेटा हूँ, हाँ मैं मारवाड़ी हूँ, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो जिंदा है, जिंदा रहना चाहिए। आप माओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस संस्कृति को बचाना है तो इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, इनके हाथ में किताबें दे दो। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, आजकल जो हम बच्चों को कहते हैं अंग्रेज़ी ज़रूर सिखाइए, अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, आनी चाहिए, अंग्रेज़ी सिखाइए, उसके बिना तरक्की नहीं करेंगे। हिंदी ज़रूर बोल लेंगे क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, मैं भी बोल रहा हूँ। इन्हें दुनिया की हर भाषा सिखाइए, लेकिन मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। हमारी भाषा ज़िंदा रहेगी तो ये संस्कृति ज़िंदा रहेगी, और भाषा का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आराम से खड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आराम से कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोग हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं जो हमारी भाषा का आनंद है वो किसी भाषा में नहीं है। हमें कुछ कहने की, हम तो बगैर बोले कुछ कहते हैं दीवान साहब। मैं अक्सर कहता हूं हमारी भाषा जो है उसका आनंद ही अलग है। हम ना बोल के भी बहुत कुछ बोल लेते हैं। आप किसी से पूछो कि क्या तुमने खाना खा लिया दुर्गाराम, जैसे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम पूछो कि तुमने खाना खा लिया, तो एक लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलेगा, नहीं अभी तो कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। कोई अंग्रेजी जानने वाले से पूछ लो क्या तुमने खाना खा लिया, वो कहेगा नो आई हैवंट ईटन फूड, आई विल ईट नाउ। हम मारवाड़ियों से पूछो खाना खा लिया, हमें कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं। हमारी भाषा का सौंदर्य इतना है कि कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग लेट जाते हैं तो हम कहते हैं पौड़ना पौड़ रिया,
हम जोधपुर में कहते हैं पौडरिया है, तो हमारे कोई चाचा जी लेटे हुए थे, मैं कैसा पौडिया हो? अरे बोले पौटता तो जरे जरे थारे काकी सा जिंदा अबार तो पढ़िया। ये हमारी भाषा का सौंदर्य, हम दुनिया में कितने भी अंग्रेज क्यों ना हो जाए, मैं जानता हूं कई बार मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं मोटिवेशन क्लास लेता हूं तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करना होता है, तो मैं लिखता हूं 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45, आई स्पीक 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45, लेकिन मन में वही होता है 15 एकम 15 15 दूती थी पैथराला चौका 8.75 झगड़ा नेऊ हथ पिछलोटी अंटी विया 9 पैथिया डबलक 150। भीतर से भाषा जाती नहीं है और जानी चाहिए भी नहीं। भाषा को जिंदा रखिए, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़िए, मजहब जाति प्रदेश भाषाएं जोड़ने का काम करती है, अलग नहीं करती। मारवाड़ हमारी माँ है, मारवाड़ हमारी माटी है, मारवाड़ी की गोद में हम पले बड़े हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है जिससे मैं आप सबको सब बच्चों को एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। दूसरी क्लास थी, बहुत छोटी सी क्लास, टीचर पढ़ाने के लिए आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया और कहा इस नक्शे को फाड़ दो। हर बच्चे ने नक्शे को फाड़ दिया। फिर टीचर कहने लगे जो इस नक्शे को सबसे पहले जोड़ देगा मैं उसे इनाम दूंगा। 10 सेकंड में एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा सर मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को जोड़ दिया। टीचर बेहद प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुमने कैसे किया? वो बोला सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नक्शे को पलट दिया, नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जोड़ता चला गया। व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़िए, आदमी को आदमी से जोड़िए, अपना वतन से बेहतर कुछ नहीं होता। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का वतन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया।